विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा द्वारा सर्व ब्राह्मण समाज एवं अल्प आय वर्ग के रीट अभ्यर्थियों के लिए निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था ओदिचवाड़ा स्थित समाज के नोहरे में की गई है। कभी नहीं, तो गांधी जी ने क्या ऐसा कहते कहा गांधी जी, ठीक है, भी बड़ा होगा। ओके, अब ऐसी क्या परिस्थितियां थी, है ना? कारण वैसे तो बहुत सारे कारण हैं। जापान के आक्रमण का भय। विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा के तत्वाधान में 18 जनवरी 2021 से अनवरत विप्र समाज और कुछ ऐसे अल्प आय वर्ग के लिए हम निरंतर रीट कोचिंग जो है लेवल 1, लेवल 2 और साइंस के लिए यहां पर चला रहे हैं। और ये चलाते चलाते आज हमारा जो है 58वां दिन है, जिसमें सभी विषयों की निष्णात फैकल्टी के द्वारा यहां पर निरंतर 5 से 6 घंटों का अध्यापन करवाया जा रहा है। समय समय पर यहाँ पर विषय के अनुसार एवं सामूहिक परीक्षण भी किया जाता है, बच्चों के टेस्ट भी लिए जाते हैं और विषय विशेषज्ञों के अलावा कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर भी समय समय पर आकर हमारी कोचिंग में बच्चों को जो है उत्साहवर्धन और उत्प्रेरित करते हैं। इसमें अभी कुछ समय पूर्व ही जज जो हैं प्रतापगढ़ के हमारे मध्य आए थे और ऐसे कई शख्सियत जो हैं हमारे मध्य आ रही हैं। मैं जनक कुमार भट्ट विप्र फाउंडेशन का जिला महामंत्री हूँ और इस कोचिंग में फैकल्टी को मैनेज कर रहा हूँ। सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से हमें एक ही समाज के द्वारा यहाँ पर आयोजित ये रीट कोचिंग की है। मैं गनोड़ा गाँव से चंदा खैरवासिया हूँ, यहाँ पर रीट की कोचिंग लेने के लिए आई हूँ। ब्राह्मण समाज द्वारा यहाँ पर हमें जो ये निःशुल्क कोचिंग की सेवा जो मिली है उससे हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही है, मतलब कंपेयर करें कि किसी और संस्था से हमें जो शिक्षा मिल रही है, यहाँ की शिक्षा में हमें कोई भी परिवर्तन नहीं लग रहा है। समय समय पर यहाँ साप्ताहिक टेस्ट भी चल रहे हैं, मतलब कुल मिला के ऐसी भावना भी लोगों में आई थी या हमारे मन में भी आई थी कि यहाँ पर निःशुल्क के साथ में कोई भी ऐसा होगा भेदभाव कि कुछ दिन चलेगी फिर ना चलेगी, पर यहाँ का बहुत ही अच्छा लगा और मैं आगे भी हम भी आभार हैं, ये समाज भी आभार है। थैंक यू।